नमस्कार, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता शर्मा आज बनाने जा रही हूँ कुंदरू की रसेदार सब्जी। कुंदरू की रसेदार सब्जी बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए। कुंदरू 250 ग्राम, कटा प्याज 2 से 3 चम्मच, साबुत धनिया 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, अदरक का टुकड़ा 1 इंच, हरी मिर्च 1 से 2 या स्वाद अनुसार, कच्चा नारियल का टुकड़ा 1, साबुत लाल मिर्च 2 से 3 या स्वाद अनुसार, हल्दी 1/2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, कसूरी मेथी 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच या स्वाद अनुसार, सरसों 1/2 चम्मच, हींग 1/4 चम्मच, कटा हरा धनिया 1 चम्मच, चीनी 1/2 चम्मच, पानी 2 कप या आवश्यकता अनुसार, तड़के के लिए तेल 3 से 4 चम्मच, करी पत्ते के गुच्छे 2 से 3। सबसे पहले गैस जलाएंगे, पैन को गर्म करेंगे। अब इसमें साबुत धनिया, जीरा, सौंफ, साबुत लाल मिर्च डालकर 1 मिनट तक मध्यम आंच पर चलाते हुए भून लेंगे। आप भुने हुए मिश्रण को मिक्सी जार में डालेंगे और उसके साथ में अदरक, हरी मिर्च, हींग और कच्चा नारियल डालकर मिक्सी को चलाते हुए बारीक पीस लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप इसमें पानी डालकर भी पेस्ट बना सकते हैं। कुंदरू को दोनों सिरों से काटकर पतला पतला छिलका उतार लेंगे चाकू की मदद से, और मनचाहे आकार में काट कर 1/2 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देंगे। हमने कुंदरू को पहले से ही पानी में भिगोकर रखा हुआ है। अब गैस जलाएंगे और पैन में तेल डालकर गरम करेंगे। सरसों, प्याज डालकर 1 मिनट तक मध्यम आंच पर चलाते हुए भून लेंगे, हल्के सुनहरे रंग का होने तक। करी पत्ता डालेंगे और एक बार फिर से सामग्री को चलाएंगे। पिसा हुआ मसाला डालेंगे और 30 सेकंड तक चलाते हुए भून लेंगे। अब इसमें नमक स्वाद अनुसार, हल्दी डालकर मिश्रण को चलाते हुए मिलाएंगे। आवश्यकता अनुसार पानी डालेंगे और सामग्री को चलाएंगे। अब इसमें कटा हुआ कुंदरू डालेंगे और एक बार फिर से चलाते हुए सब्जी को मिलाएंगे। ढक्कन लगाकर कम आंच पर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि कुंदरू गल ना जाए। ढक्कन उतारेंगे और सब्जी में गरम मसाला, चीनी और कसूरी मेथी हाथ से मसलकर डालेंगे और एक बार फिर से सब्जी को चलाएंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नींबू का रस डालेंगे और चलाते हुए सब्जी को पकाएंगे। अब गैस को बंद कर देंगे और एक कटोरे में सब्जी को निकाल लेंगे और हरे धनिए से सजाकर गर्मा गर्म पराठा, पूड़ी, रोटी, चावल आदि के साथ परोसेंगे। आप इसमें लहसुन और टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं, और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें, यानी कि सब्सक्राइब करें। इस विधि को आप हमारी वेबसाइट माँ की रसोई .net पर भी पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्यंजन के साथ। धन्यवाद।